गम चलता है, कभी खुशी तो कभी गम चलता है, कभी खुशी तो कभी गम चलता है, कभी सर्द तो कभी गर्म उबलता है। सर्द भी उबलता है, सर्द भी उबलता है। हम देखा कभी हाल आगे देखिए महाराज इतनी बार। कभी खुशी तो कभी गम चलता है, कभी सर्द तो कभी गर्म उबलता है, जिंदगी की जरूरियात ने जब घर के रंज बख्शा। जिंदगी जरूरियात ने जब घर के रंज बख्शा, कभी परहेजगार तो कभी सरशार चलता है। कभी परहेजगार, कभी सरशार चलता है। परहेजगार मीन्स जो की जो परहेज करे, जो हर चीज से दूर रहे, और सरशार मीन्स के आने दे, डूबो डूब जाओ। सो कभी परहेजगार तो कभी सरसार चलता है। तो ये एक तरह से रुबाइयां कह लो, ये कथा कह लो, इसमें कभी रैम होता है, कभी नहीं होता। तो कोशिश ये करी थी कि वो 8 से 10 शब्दों के बीच में रहे। सो दूसरा हम कथा अर्ज किया, कभी दिल तो कभी दिमाग जलता है, कभी दिल तो कभी दिमाग जलता है, कभी दिल तो कभी दिमाग जलता है, कभी शोला तो कभी आफ्ताब चमकता है। कभी दिल तो कभी दिमाग जलता है, कभी शोला तो कभी आफ्ताब चमकता है, तकदीर जो तकाबुल हुई बेसुरी बज्म में। ओए 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 ओए, तकाफुल माने भी हो, तकाफुल माने फेस टू फेस, नहीं क्या वर्ड है, तकाफुल, तकदीर जो तगाबुल हुई बेसुरी बज्म में, कभी रकीब तो कभी संगे दिल जलता है। इंटरप्रिटेशन तो जिसके आग में जा सकते, क्योंकि अंदर लिख दिया इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ करते रहो। कभी दर्द तो कभी करार मिलता है, अर्ज किया है, कभी दर्द तो कभी करार मिलता है, कभी कसूरवार, कभी कसूरवार तो कभी रहदार मिलता है। इसमें कुछ शब्दों का हेर फेर मैं बताता हूँ आपको। कभी कसूरदार तो कभी रहदार मिलता है, नजाफत नजाकत, नजाफत नजाकत या नाजान नजरिया, नजाफत नजाकत या नाजान नजरिया, कभी सरफरोश तो कभी भयाकुल हिलता है। तस्नीम के जी के अलावा जो बाकी ऑडियंस है उनके लिए एक दो वर्ड्स आप बता दीजिए हमें मीनिंग के साथ। नजाफत मीन्स प्योरिटी, ठीक है, नजाकत मीन्स एलिगेंस, ठीक है, नाजान नजरिया मीन्स एरोगेंट प्राउड। नजाकत मतलब डेलिकेसी, नाजुक, कभी दर्द तो कभी करार मिलता है, कभी कसूरवार तो कभी राहदार संभलता है, नजाफत नजाकत या नाजा नजरिया, मतलब के समझ नहीं पा रहे हो, नाजा है आपको नाज है, ये क्लास से कम नहीं है, अगर तो कभी सरफरोश तो कभी भयाकुल हिलता है, कभी शरारा तो कभी वीरां से लिपटता है, कभी शरारा तो कभी वीरां सा लिपटता है, शरारा जानते हैं ना, कभी शरारा तो कभी वीराना सा लिपटता है, कभी शाम गम तो कभी शाम अवध झलकता है। शाम गम या शाम अवध झलकता है, बेबस बेचैन बेदम बेचारा बेचराग, बेबस बेचैन बेदम बेचारा बेचराग, कभी बेदरक बेदीन, बेदरक बेदीन मींस एलिजियस फेथलेस, पूरे शादीशुदा हो जितने बेदर्द बेद बेकस, बेदरक बेदीन, बेदरक बेदीन मींस एलिजियस फेथलेस। और जो अगला शब्द है ममनून है, इसका उसका मतलब है कि थैंकफुल एटीट्यूड होता है। याद रखना डिक्शनरी रख के सामने, हाँ डिक्शनरी।
कभी शरारत कभी वीराना से लिपटता है, कभी शाम में गम तो कभी शाम में अवध झलकता है। बेबस बेचैन बेदम बेचारा बेचराग, कभी बेदर्द बेदीन तो कभी मामूली ममनून बनता है। क्या बात, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट जो है बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। होपफुली आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। आपके एक्सपेरिमेंट पे दो लव्स मैं कहता हूँ। लगता है अनीता के सामने बैठा के क्लास में क्लासरूम